जहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमए एमकॉम एमएससी एलएलएम बीएलआईबी यानी कि जो पीजी की फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट हमारी कब आने वाली थी 29 मई को 11 बजे के समय हमारी मेरिट लिस्ट है जो कि अनाउंस होनी थी फर्स्ट राउंड की, लेकिन 29 मई पूरा निकल गया। ठीक है, सोचा शाम तक आ जाएगी, 6-7 बजे तक। क्या होता था कि 2023 में हर बार जो मेरिट लिस्ट है शाम के 6 बजे के टाइम पर अनाउंस होती थी, 2022 में भी कुछ ऐसा ही होता था। सोचा शाम को 6 बजे तक आ जाएगी, नहीं आई। फिर सोचा कभी कभी क्या है, 2022 में एक बार क्या हुआ था कि सेकंड राउंड की जो मेरिट लिस्ट रात को 11 बजे के टाइम पर अनाउंस हुई थी, तो हमने सोचा कि रात को आ जाएगी, 11 बजे तक नहीं आई, पूरी रात निकल गई। इसके बाद हुआ क्या कि आज हमारी हो गई 30 मई। ठीक है, 30 मई को 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी तक जो हमारी मेरिट लिस्ट है अनाउंस नहीं की गई है। इसके पीछे क्या कारण है, समझेंगे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से तो नहीं समझेंगे, लेकिन एक न्यूज क्लिप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, एक भोपाल से न्यूज क्लिप के माध्यम से अपडेट आया है कि उच्च शिक्षा विभाग खुद ही नहीं कर रहा काउंसिलिंग शेड्यूल का पालन, कार्य प्रणाली पर उठ रहे हैं सवाल, परेशान होते रहे छात्र। भोपाल से अपडेट आ रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग काउंसिलिंग शेड्यूल का खुद ही पालन नहीं कर पा रहा है, जिससे उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ऑनलाइन चल रही जो कि प्रवेश प्रक्रिया के तहत पहले चरण की बुधवार को पीजी की सीटों का आवंटन यानी कि अलॉटमेंट होना था, लेकिन विभाग की तैयारी न होने के कारण सीट अलॉटमेंट नहीं हो सका और समय पर आवंटन न होने की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण, यानी कि क्यों नहीं हुआ है अलॉटमेंट समय पर, जो 11 बजे आ जाना चाहिए था जिस तरह से यूजी का आया था, समय पर नहीं आया। और इसकी जो कि स्थिति भी स्पष्ट नहीं है कि क्या कारण है, कोई रीजन तो होगा ना, कोई रीजन नहीं बताया गया। तो हुआ क्या है कि इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, अभी क्लियर पता नहीं है। अधिकारियों ने फोन तक नहीं उठाया है। 1 मई से यूजी और 2 मई से पीजी की प्रवेश प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी, जो कि पीजी का 29 मई को अलॉटमेंट होना था, लेकिन यह प्रक्रिया निर्धारित समय पर नहीं हो सकी है। इसकी वजह पीजी प्रवेश नियम में 20 मई को किया गया बदलाव बताया जा रहा है। हुआ क्या है कि यहाँ पर एक रीजन निकल कर आ रहा है हमारे सामने कि पीजी प्रवेश नियम 20 मई को एक नियम आया था पीजी का, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग की गई है। ठीक है, 20 मई को एक नियम आया था एचईडी के द्वारा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, उस नियम में क्या रूल्स में कुछ चेंजिंग कर दिए गए हैं और इस चेंजिंग की वजह से यहाँ पर हमारी मेरिट लिस्ट है जो कि होल्ड कर दी गई है। ठीक है, होल्ड कर दी गई है, अब इसका कोई भरोसा नहीं है कब तक आएगी। कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे एचईडी डिपार्टमेंट में कि जल्द से जल्द अनाउंस हो सके, क्योंकि हमारी मेरिट लिस्ट से छात्रों को पता चल सकेगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। देखते हैं क्या होता है, अभी हमारी सीटें होल्ड पर चली गई हैं और इसमें कितना समय लगेगा, आज का दिन मुझे नहीं लगता कि आज आ पाएगी, तो 2-3 दिन का तो समय लग सकता है। जब सीट होल्ड पर चली जाती है तो 1-2 दिन का या 3 दिन तक का इंतजार करना पड़ सकता है। देखते हैं क्या होता है, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आ जाए। आपको क्या लगता है, और पीजी प्रवेश नियम 20 मई वाला कौन सा नियम है, पीजी का जो कि पीजी प्रवेश नियम 20 मई क्या नियम है, किस में क्या बदलाव किया गया, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी टाइटल समझ ली, रीजन यही है कि जो 20 मई को एक पीजी का प्रवेश नियम आया था उसमें बदलाव किया गया है और इस वजह से जो सीटें होल्ड कर दी गई हैं। वीडियो को शेयर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।